Hello, Dikshisha. Am I audible? Very good evening to all of you. Good evening, Richa. Is the audio and video clear? Yes, okay, so let's get started. Okay, so this is Ruhi, your friend, mentor, educator and guide specialized in handling multiple subjects for regulatory body exams like RBA grade B, SEBI grade A, BFRDA. Okay, and your bank exams. I handle general awareness, current affairs and banking awareness for your bank exams. So guys, aap jo hai, jo detailed courses hai August ke, September ke, okay, inka playlist aap follow kariyega for the sessions, for the detailed coverage. And in this particular series, we are covering the best MCQs monthly. Okay, so ye aapka August ka series hai, jo aapke aane wale IBPS mains, RRB ki mains ke liye, ya to RBI jaise exams ke liye, sare in fact bank and regulatory ke liye bahut hi beneficial rahegi. So hello Vishesh, hi, Vaibhav, Jitsi, okay. So यहाँ पे short short selection batch RBA grade B के लिए ये live batch है guys, let me tell you. Okay, बहुत ही affordable cost पे पूरा की पूरा batch आपके लिए जो है live है. Finance management के अभी फिलहाल sessions चल रहे हैं, आने वाले दिनों में ये सारे courses रहेंगे जिसका आपका 2023 के mains exam तक का validity रहेगा. ठीक है, तो you can use this code to avail 20% discount on this particular batch. इसके अलावा इंडिविजुअल बैचेस भी आप एनरोल कर सकते हो. मान लो आप पीएफआरडीए कर रहे हैं, आपको सिर्फ एफएम पढ़ना है इस बैचेस में से, तो इंडिविजुअल मैनेजमेंट की बैच भी जो है आप प्लेटफॉर्म पे जाके विजिट कर सकते हो. ठीक है, अब बेसिकली क्या है, बैंक फिनोमिक्स www.bankfinomics.com. ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके विजिट करके बैचेस को एनरोल कर सकते हो. चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ गाइस. As declared by Government of India, how many accounts of street vendors under PM Swanidhi scheme have become non-performing assets till 27th of July? Scheme based question है. या comment में answer type करना है guys आपको. थोड़ा सा camera. Okay, question तो visible है ना properly. ओके, सो पीएम स्वनिधि के तहत अभी तक के कितने अकाउंट्स जो है नॉन परफॉर्मिंग बन चुके हैं. नॉन परफॉर्मिंग मतलब लोगों ने लोन लिया है स्कीम के तहत, ओके, बोरोइंग की है बट रीपे नहीं कर पाए हैं टाइम पे, ना तो प्रिंसिपल अमाउंट ना तो इंटरेस्ट. अगर 90 डेज तक के आपने रीपे नहीं किया तो आपका पैसा एनपीए में चला जाता है, आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है. तो यहाँ पे पीएम स्वनिधि के तहत ओके 4.85 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्कीम बेस्ट. ओके, अब ये स्कीम न्यूज़ में रही है इसलिए पूरी पूरी स्कीम उसके डिटेल फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. कोई भी स्टैटिक जो है पीएम स्वनिधि के बारे में आपके एग्जाम्स में देखने मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है फैक्चुअल डेटा ये कहता है कि पीएम स्वनिधि के तहत जो गवर्नमेंट ने लेंडिंग की थी स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन में, राइट, 2020 में जो स्ट्रीट वेंडर्स की सिचुएशन थी वो अपने एक्टिविटीज को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको लोन फैसिलिटी अवेल की थी. ओके, जिसके तहत वो 10,000 रुपए की बोरोइंग कर सकते थे. अगर वो टाइमली रीपे कर रहे हैं तो लिमिट आपका 20,000 तक के एक्सटेंड किया जा सकता था. तो ये जो बोरोइंग्स स्ट्रीट वेंडर्स ने की थी दे फेल टू रीपे इट. ओके, एज अ रिजल्ट एनपीए बन चुका है एज ऑन 27 जुलाई. 4.85 लाख अकाउंट्स है. ओके, इतने अकाउंट्स जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट बन चुके हैं एंड अमाउंट आपका 344 करोड़ का है. ठीक है, बोथ फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. इसके अलावा 3700 करोड़ जो है अभी तक के गवर्नमेंट ने डिसबर्स किए इन द फॉर्म ऑफ लोन. ओके, स्ट्रीट वेंडर्स को इतना अमाउंट का लोन अभी तक की स्कीम के तहत दिया गया है. एनपीएस जो बने हैं टोटल एनपीए, ओके, ये लगभग 12 से 13% के हैं ऑफ द लोन डिस्पर्स. जितना अमाउंट लोन के तौर पे दिया गया है उसका 12 से 13% जो लोन अमाउंट है ये डूब चुका है, मतलब एनपीए बन चुका है. नेक्स्ट, ये जो स्कीम है, ओके,
ओके पीएम स्वनिधि इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2nd ऑफ जुलाई याद रखना है एंड हैज सो फार डिसबर्स्ड लोन्स ऑफ 10,000 ईच टू हाउ मेनी स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक के कितने स्ट्रीट वेंडर्स को स्कीम के तहत लोन डिसबर्स किया गया है यस ट्राई करिए गाइस फैक्चुअल क्वेश्चंस है ठीक है स्कीम के तहत जो है 30.23 लाख ओके 30.23 लाख अभी तक के डिसबर्स कर दिया गया है ठीक है सो याद रखना लॉन्च डेट 2020 में 2 जुलाई को स्कीम लॉन्च हुई थी एंड इनिशियली जो है गवर्नमेंट 10,000 ईच स्ट्रीट वेंडर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही थी एंड अगर आपने टाइमली रीपेमेंट किया तो आपको कैश बेनिफिट्स जैसे फीचर्स या तो एक्स्ट्रा आपको बोरोइंग करने के फीचर्स ये स्कीम के तहत दिए गए थे तो सेकेंड एलिजिबिलिटी 20,000 की है एंड थर्ड एलिजिबिलिटी 50,000 की थी नेक्स्ट Indigenously developed laser-guided anti-tank guided missiles were successfully test-fired from main battle tank Arjun by DRDO and Indian Army. At which place this testing took place? हाल ही में एक anti-tank guided missile test-fire किया गया है DRDO के and Indian Army के द्वारा. तो इसका testing कहाँ पर हुआ है? Maharashtra, Nagargarh, Pitrogarh, Uttarakhand, Bhagalpur, Bihar या तो Cuttack, Odisha में. सेशन को शेयर करिएगा गाइस लेट एवरीवन बेनिफिट दिस विद दिस क्वेश्चंस यस वेरी करेक्ट ये टेस्टिंग कंडक्ट की गई है अहमदनगर महाराष्ट्र में इनफैक्ट ये मेरा नेटिव प्लेस है ओके सो अहमदनगर महाराष्ट्र में इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्टिंग हुआ था ठीक है अब ये जो टेस्टिंग की गई है ये जो मिसाइल्स हैं दीस Guided missiles rely on electro-optical imager के टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं electro-optical imager और these are fire and forget missiles इनको fire and forget missiles भी कहा जाता है क्योंकि ये जिस चीज को टारगेट करते हैं उसको फिनिश करके रखते हैं खत्म करके रखते हैं so fire and forget okay भी इनको कहा जाता है next who has been recently appointed as chairman of DRDO किसको रिप्लेस किया है कमेंट में लिखना है इन्होंने डीआरडीओ की चेयरमैनशिप के पोजीशन पे यस वेरी सिंपल ओके सो हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन समीर बी कामत अपॉइंट किए गए हैं रिप्लेसिंग जी सतीश रेड्डी ओके सो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने डॉक्टर समीर बी कामत को सेक्रेटरी ओके डिपार्टमेंट ऑफ डीआरडीओ एंड चेयरमैन सो डीआरडीओ में जो सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं वो चेयरमैन भी बन जाते हैं सो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी को इन्होंने रिप्लेस किया नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रेज द टारगेट ऑफ द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स अप टू हाउ मच परसेंट बाय 2030 फ्रॉम द करंट टारगेट ऑफ 6.7% ओके सो नेचुरल गैस ओके नेचुरल गैस जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इनमें जो एनर्जी का मिक्स रेशियो है वो अभी फिलहाल 6.7% है जिसको गवर्नमेंट कितना करेगी बाय 2030 ओके रॉनी सेइंग 25% बट एक्चुअली इट इज 15% ओके सो 2030 तक का टारगेट है natural gas in the energy mix will be 15% which is currently only 6.7% okay next 18th edition raha hai india and us ki ek exercise kal bhi humne se exercise related question dekha tha basically kin countries ke beech mein hui hai question tha abhi aap se pooch rahe hain exercise ka naam kya hai theek hai so ye uttarakhand mein auli mein okay auli is place pe hui thi hone wali hai actually october 14 se 31st Yes, very correct. The correct answer is Yudh Abhyas. Okay, यहाँ से edition less important बनता है, guys. But India and US, okay, Yudh Abhyas, Uttarakhand, Orni. Okay, these are the important facts to remember. 2022 का World Cadet Wrestling Championship under 17 का will be the World Cadet Wrestling Championship of combined events and took place from 25th July to 31st in Rome, Italy. Who is the top ranker and how many medals won by the top ranked country?
सो इसमें टॉप किसने किया है और टॉप रैंक कंट्री ने कितने मेडल्स जीते हैं अंडर 17 वर्ल्ड कैडेट्स रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो या वेरी करेक्ट. ओके सो इंडिया इज द टॉपर विथ टोटली 14 मेडल्स. ओके 14 मेडल्स के साथ हमने टॉप किया है. वेन्यू याद रखेंगे इसका रोम इटली में हुआ था. ठीक है टॉपर है इंडिया इसीलिए यहाँ से वेन्यू भी इम्पोर्टेंट है. नंबर ऑफ मेडल्स टोटल 14 जीते हैं. अगर आप इंडिविजुअली देखें तो 7 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज है. ठीक है सो फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया है फॉलोड बाय यूएस एंड देन यू हैव अजरबैजान. नेक्स्ट इज व्हिच इंडियन पेट्रोलियम कंपनी साइन एमओयू विद बांग्लादेश फॉर द इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स वाया बांग्लादेश टेरिटरी टू इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इनमें से किस पेट्रोलियम कंपनी ने बांग्लादेश के साथ मेमोरेंडम साइन किया है जिसके तहत वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है सप्लाई कर सके. सो यस ये जो एमओयू हुआ है इंडियन ऑयल का हुआ है विद बांग्लादेश. अब बेसिकली क्या है गाइस आसाम में और त्रिपुरा में जो फ्लड्स की सिचुएशन थी इसके कारण जो है इंडियन ऑयल जो है रेलवे रूट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में संभव नहीं हो रहा था, पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि हम बांग्लादेश के रूट से ओके रोड या हाईवे रूट से हम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं आसानी से. इस वजह से बांग्लादेश से परमिशन लिया. ओके इन्होंने बांग्लादेश के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो है एमओयू साइन किया. पूरा कॉस्ट टोल वगैरह सब कुछ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ही बेयर किया है जिसके तहत जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वो आसानी से सप्लाई कर सके. ओके सो यहाँ पे ये एमओयू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का और बांग्लादेश का हुआ है. चेयरपर्सन ऑफ IOCL ओके सो IOCL न्यूज में रहा है, कल भी न्यूज में रहा था बिकॉज एक और एमओयू किया था बांग्लादेश ने NTCA के साथ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ. और आज जो एमओयू हमने देखा वो बांग्लादेश का फिर IOCL के साथ. तो दोनों IOCL के जो एमओयू है इसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंट स्टैटिक बन जाता है यहाँ से इनके चेयरपर्सन का नाम. कॉमेंट में लिखेंगे गाइस कि NTCA के साथ भी जो एमओयू हुआ था इसका रीजन क्या था. कल का ही सेशन हमने देखा था. ओके सो या यू आर आंसरिंग इट करेक्टली. द चेयरमैन ऑफ IOCL श्रीकांत माधव वैद्य है. ओके श्रीकांत माधव वैद्य. सो याद रखना है गाइस IOCL जो है इसकी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था. अब ये जो NTCA के साथ एमओयू हुआ था इसका रीजन क्या था, रिलोकेशन ऑफ चीतास. ओके जो इंडिया और नामीबिया का एमओयू हुआ था चीतास के रिलोकेशन के लिए उसके लिए IOCL ने जो है फंडिंग किया था. ओके 50 करोड़ का लगभग जो है अमाउंट अलोकेट किया था IOCL ने जिसकी वजह से दोनों न्यूज की वजह से इनका स्टैटिक काफी इंपॉर्टेंट है. ओके नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियास नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश. ओके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इफ गाइस जल्दी से जल्दी आप यू नो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, न्यू चैनल है थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी स्टार्ट कर दूंगी. सो आगे बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है IBPS SBI. ओके तो मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट ज्यादा से ज्यादा सेशंस मैं चैनल पर लेकर आऊं. बिल्कुल सही है गाइस प्रणय कुमार वर्मा ओके हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एज इंडियास नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश. ओके सो इंडिया के एम्बेसडर टू वियतनाम है. ओके ये करेंटली सर्व कर रहे हैं और अभी जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई है हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश. याद रखना है IFS ऑफिसर रहे 1994 बैच से और अभी बेसिकली एम्बेसडर टू वियतनाम. ओके ये संदीप आर्य बने हैं. ओके संदीप आर्य IFS ऑफिसर 1994 बैच से ही है जो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम. सो वियतनाम के लिए संदीप आर्य बन गए क्योंकि पहले प्रणय कुमार वर्मा थे और अब प्रणय कुमार वर्मा जो है हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश बन गए. नेम द करेंसी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हु
who have recently visited India. Okay, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में इंडिया को विजिट किया था. बांग्लादेश की कैपिटल भी लिख लेना कॉमेंट में. सो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना एंड करेंसी है टाका. ओके कैपिटल है ढाका. ठीक है, सो याद रखना है ढाका टाका. ओके टुगेदर यू हैव टू रिमेम्बर कंट्री कैपिटल करेंसी तीनों का एक सीक्वेंस फॉर्म कर लो. ओके नोट इट डाउन ऑन वन पेज सो दैट वो कीवर्ड आपके माइंड में रहे. ओके सो बांग्लादेश ढाका टाका. नेक्स्ट विद विच कंपनी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट साइन अ एमओयू फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर स्किल्स अमंग द यूथ. यूथ्स में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये मेमोरेंडम साइन किया गया है. यस वेरी करेक्ट. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. अब नाम में लिखा है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है. स्किल डेवलपमेंट ये इनिशिएटिव है अमंग द यूथ्स. ओके यूथ्स में स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरेंडम हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया था और इस वजह से इन्होंने 63 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है फॉर दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट. इनको कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा जिसके तहत वो जो है प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके. संकल्प प्रोजेक्ट स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस लाइवलीहुड प्रोग्राम इनके दोनों के एमओयू के तहत जो स्किल डेवलपमेंट की जाएगी यूथ्स की. ओके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट है संकल्प. ओके सो संकल्प का फुल फॉर्म भी यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है. सॉरी शफल हो गया मेरे से क्वेश्चन. 600 मेगावाट कैपेसिटी दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है सेट टू बी बिल्ट इन मध्य प्रदेश व्हिच इज करेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट. मार्क इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. हाल ही में कौन सा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है दुनिया का क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में बनने वाला है 600 मेगावाट का रहेगा और वो जो है जो करंट वाला है उसको रिप्लेस करेगा. It will be the world's largest. बिल्कुल आंसर तो देख ही लिया था आपने. देसाओ डिंगजोंग फ्लोटिंग सोलर फार्म चाइना का है. ठीक है, आप बेसिकली अगर हम देखें तो सारे जो सोलर प्लांट्स हैं ये तीनों टॉप थ्री भी जो है चाइना से ही है. ओके तो यहाँ पे देसाओ है फर्स्ट प्लेस पे, थ्री गॉर्जेस है सेकेंड प्लेस पे, सीसा फ्लोटिंग है थर्ड प्लेस पे, तीनों चाइना के हैं. ठीक है, तो अब फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया का कहाँ पे बनने वाला है, मध्य प्रदेश में. ठीक है, सो जब एमपी में आ जाएगा वो 600 मेगावाट कैपेसिटी का रहेगा और वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट रहेगा. फाइन, सो नेक्स्ट न्यूज. द उद्यम पोर्टल हैज वाज लॉन्च ऑन 1st of July इज ऑन ऑगस्ट 2nd 2022. हाउ मेनी एमएसएमईज हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल. So, उद्यम पोर्टल पे अभी तक के कितने MSMEs का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? Any idea? 1 करोड़. Okay, so 1 करोड़. उद्यम बेसिकली क्या है? MSMEs के रजिस्ट्रेशन के लिए. Okay, उद्यम रिलेटेड टू बिजनेस. Okay, businesses. So, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उद्यम पोर्टल जिसपे जो है अभी कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ये पूछ रहे थे. 1 करोड़ MSMEs ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है. ठीक है, तो ये जो पोर्टल है 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था. नाउ 25 मंथ्स में ये अचीवमेंट हुई है. 1 करोड़ MSMEs इस पे रजिस्टर हो चुके हैं और उद्यम पोर्टल को जो है लिंक कर दिया गया है डेटाबेस ऑफ CBDT एंड GSTN. ओके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड GSTN के साथ इसको GST नेटवर्क के साथ लिंक किया गया है. इसका पर्पस क्या है? देखो जो भी MSMEs उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर होंगे राइट, तो आप गवर्नमेंट उनसे आसानी से जो है उनका डेटा कलेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे ये पोर्टल पे लिंक होने के बाद सारा जो MSMEs है उनका डेटा पोर्टल पे आ जाएगा ताकि CBDT एंड GSTN के थ्रू
गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट कर सके, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंटली किन किन के साथ लिंक किया गया है, और भी चीजें हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चंस में कवर करते हैं। सो याद रखना सीबीडीटी एंड जीएसटीएन के साथ डेटाबेस जो है लिंक कर दिया गया है। अगेन इसी पोर्टल का उद्योग पोर्टल डेटा इज शेयर्ड विद व्हिच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के साथ डेटा शेयर हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, रेलवे, टूरिज्म। यस, यू आर फाइंडिंग इट इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, याद रखना है गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। व्हाई गाइस? नाइरोनी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है, टूरिज्म है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ ये डेटा शेयर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा डीजी लॉकर फैसिलिटी भी जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च की गई है। याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ये इनिशिएटिव है उद्यम पोर्टल लॉन्च करने के लिए। ओके, टोटल रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ हो चुके हैं। देन सीबीडीटी एंड जीएसटीएन के साथ डेटाबेस शेयर किया गया है, और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जिनके साथ भी डेटा शेयर किया गया है, और एक चीज डीजी लॉकर फैसिलिटी। ओके, सो इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अ स्टोर और अ वॉलेट व्हिच कैन स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स इन अ डिजिटल फॉर्मेट। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है डीजी लॉकर। ओके, सो वो भी जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलो, इसी से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई थी यहाँ पे जिसने इसे लॉन्च किया था उद्यम पोर्टल को, तो मिनिस्टर का नाम कॉमेंट में बताना है। सिंपल, मिनिस्टर है नारायण राणे। ओके, श्री नारायण राणे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट विद व्हिच रशियन कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ रेडियो इक्विपमेंट। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ओके, रशियन कंपनी के द्वारा रेडियो इक्विपमेंट सप्लाई किया जाने वाला है, जिसके तहत जो एरोप्लेन्स है, ओके, एरोप्लेन्स है उनकी प्रॉपर लैंडिंग हो पाएगी इन एनी काइंड ऑफ कंडीशंस। ओके, कोई भी वेदर सिचुएशन हो तो ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा रेडियो इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है रशियन कंपनी, उसका नाम आपको बताना है। सो वेरी करेक्ट, नो, अच्छा पिछला क्वेश्चन था सी का, ठीक है। इसका आंसर जो है रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स। ओके, रेडियो टेक्निकल सिस्टम ये रशियन सिस्टम है, ओके, रशियन कंपनी है रेडियो जो रेडियो सिस्टम को लॉन्च कर रही है। इन्होंने बेसिकली किसके साथ एमओयू किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर्पस मैंने बताया, प्रॉपर लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन्स। ओके, सो इन एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस। एंड ये जो सिस्टम है, ओके, IL S 734, ये सिस्टम का नाम है जो नवंबर तक के शिप भी कर दिया जाए। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है ऑन एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट व्हिच कंट्री हैज मेड हाई इन्वेस्टमेंट। सो इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन से कंट्री ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है रिन्यूएबल एनर्जी में? करेक्ट इज चाइना। ओके, सो करेक्ट आंसर इज चाइना। सो चाइना हैज मेड द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट 2021 के लिए। ये रिपोर्ट का नाम देखिएगा, ओके, यूनाइटेड नेशंस ने इसे पब्लिश किया है। रिपोर्ट है एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ओके, सो एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी पे किसकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रही है? चाइना की रही है, $266 बिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 35% है। अगर इस लिस्ट में हम इंडिया का पोजीशन देखें तो ये 7th है। ओके, सो इंडिया 7th $14 मिलियन के साथ लगभग ओनली 1.9% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स कंट्रीब्यूशन। ओके, सो रिपोर्ट के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो कंट्री टॉप करती है उनका पूरा डेटा और इंडिया का परफॉर्मेंस। ओके, कोई भी रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो उस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ने किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है, किस कंट्री ने टॉप किया है, उसका डेटा और इंडिया का डेटा, बाकी बीच का फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बैंक एग्जाम्स के लिए
बाकी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आरबीआई ग्रेड भी जैसे एग्जाम्स के लिए दे में इवन आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक विच अमंग द दीस कंट्री इज नॉट इन टॉप थ्री और टॉप फाइव में कौन सी कंट्री नहीं है, तो कोशिश करो कि बार बार पढ़े. Which e-commerce giant has signed agreement with Indian Railways to boost their delivery service? Simple question है, business news से. हाँ, so हाल ही में अपने delivery services को और बढ़ावा देने के लिए किसने agreement किया है Indian Railways के साथ? जाहिर सी बात है. Okay, so Amazon. So Amazon ने ये MOU या agreement किया हम कहेंगे, जिससे क्या है और भी आसानी से Indian Railways जो है उनकी services को deliver कर सके. Okay, so Railway Minister अश्विनी कुमार वैष्णव है, ठीक है. So ये partnership के बाद Amazon India will be able to transport packages or more than 110 intercity routes, ensuring 2-day delivery of for its customer. Okay, so और भी delivery को आसान बनाने के लिए ये agreement हुआ है. Current CEO कौन है Amazon के? So options में Jeff Bezos, Mackenzie Scott, Andy Jassy, Lauren Sanchez. Yes, come on, Dichisha, Ronnie. Jitsi, Vaibhav, Ma, yeah. So CEO है Andy Jassy. Okay, Andy Jassy current CEO है Amazon के. Jeff Bezos is the founder of Amazon. इसमें से जो second option है Mackenzie Scott, ये उनकी ex, Jeff Bezos की ex wife है. Okay, जिनके साथ अब तक का सबसे बड़ा divorce हुआ था इनका. Okay, so and ये जो last है, okay. She is the girlfriend of Jeff Bezos. Next CEO Andy Jassy headquarters Seattle, Washington, US में है. Founder Jeff Bezos है and 1994 में established हुआ था. Well, ये business है. Okay, so business news से बहुत facts important नहीं बनते. Okay, founder and headquarters. Okay, year is not very important. Years किसके important बनते हैं? Financial organizations के. International financial organizations की ज़्यादा important बने. Which company has sold its entire 7.78% stake in Zomato? So Zomato में girlfriend option में आए तो हंसी आई. Okay, I just checked it. 7.78% stake जो है Zomato में किस company ने बेचा है? So ऐसे option आते हैं तो मज़ा आती है आप लोगों को. ठीक है, समझ गई मैं. फैमिली चार्ट बता रही. एंड द फनीएस्ट पार्ट वाज आई वाज सर्चिंग कि और कौन सी मतलब मैकेंजी की के बारे में मैं सर्च कर रही थी एंड द अमेजिंग पार्ट वाज उनके जो हस्बैंड्स रहे हैं उनके नाम आ रहे थे. तो आई वाज शॉक्ड कि यार जेफ बेजोस के और कितने वाइफ्स हैं. देन आई रियलाइज्ड कि जो उनकी एक्स वाइफ है मैकेंजी स्कॉट उनके और हस्बैंड्स भी हैं. सो व्हिच कंपनी हैज सोल्ड दिस स्टेक? या वेरी करेक्ट, उबर. ओके, सो उबर टेक्नोलॉजीज है जिन्होंने 7.78% स्टेक जो है बेचा है इन Zomato. स्टेक मतलब शेयर, हिस्सेदारी. राइट, 7.78% की हिस्सेदारी जो है उबर टेक्नोलॉजीज ने सोल्ड की है इन Zomato. कितने का डील है? $392 million का डील है. अब बेसिकली बिजनेस न्यूज से ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें से सिर्फ आपको अमाउंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, और किसने किसका स्टेक किसको बेचा है वो चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा जो डेटा दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है फिडेलिटी एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जिन्होंने स्टेक खरीदा है. ठीक है, उबर ने 61.22 करोड़ शेयर्स जो है ऑफ Zomato के 50.44 पर शेयर के प्राइस पे बेचा है. वेल, दिस टू थिंग्स आर नॉट वेरी मच एक्सपेक्टेड. ओके, दिस फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस इन बिजनेस न्यूज. राइट, तो जब भी आप न्यूज डिटेल में पढ़ रहे हो आई अंडरस्टैंड कि सारे न्यूज को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करना या याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज होती है
होंगे या तो इकोनॉमी से रिलेटेड, तो ये चीजों पे ज्यादा डिटेल पे वर्क करना जरूरी है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अप्रूवल दिया है इनमें से किस स्कीम को अंडर IWDP इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल, सो इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अप्रूवल दिया है पश्मीना वूल डेवलपमेंट स्कीम। ओके, सो पश्मीना वूल जो होता है okay, which is generally used in shawls, right, and scarves. So this wool, okay, so, is very famous in Ladakh and Jammu and Kashmir. Okay, so Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir में काफी जाना माना है और इसके production को, इसके marketing को, इसके procurement के लिए financial assistance देने के लिए ये scheme बनाई गई है जो Ministry of Textiles के द्वारा approve की गई है। ओके, सो पश्मीना वूल डेवलपमेंट स्कीम इसका नाम है अंडर इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसके लिए बजटरी एलोकेशन रखा गया 29.25 करोड़ का 2021-22 से 25-26 तक। सो एलोकेशन यहां से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट लद्दाख के लिए कितना है ये भी दिया है। सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, इंडिविजुअल कॉस्ट बजटरी एलोकेशन आपसे पूछा जाता है। United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO has added 106-year-old astronomical observatory at Langat Singh College. तो ये college कहाँ पे located है? Yes, so college located है मुजफ्फरपुर बिहार। ओके, सो बिहार में located है, exact place है मुजफ्फरपुर, ठीक है। 106 साल पुराना है astronomical observatory, कॉलेज का नाम याद रखेंगे लंगत सिंह कॉलेज है और यूनेस्को ने हाल ही में इसे अपने हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है 1916 में बिल्ड की गई थी जो कि 123 ईयर ओल्ड कॉलेज है which is now affiliated with Bhimrao Ambedkar Bihar University. Just additional information आपके लिए, whether news यहाँ पे college का नाम is much of importance. Member countries कितने UNESCO में? Okay, so static question, ऐसे question बन रहे हैं आजकल, static member भी पूछ रहे हैं, headquarters, member countries in UNESCO. United Nations Economic Scientific, sorry, Educational Scientific and Cultural Organization, जिसके total members है 193. Okay, so exam के पहले check करके जाना, जो भी organizations है उनके member states check करके जाना, in case बढ़ जाते हैं, okay. So इसके headquarters Paris, France में है, Director General Audrey Azoulay है, okay, and 1945 में establish किया गया. Next best owned Noice has appointed which Bollywood actress as a brand ambassador for its upcoming smartwatch the Xfit 2 series. So haal hi mein Noice ne kise brand ambassador banaya apne naye series ke liye smartwatch series hai. Haan bilkul sahi hai Vani Kapoor. Okay, so next best ye parent company hai Noice ki. Okay, so Noice जो नॉइस की जो पैरेंट कंपनी है नेक्स्ट बेस है एंड ये जो अपॉइंटमेंट है नॉइस की है. ओके, सो नॉइस ने अपॉइंट किया वाणी कपूर को एज अ ब्रांड एंबेसडर किस सीरीज के लिए? ओके, अपकमिंग स्मार्टवॉच सीरीज है एक्सफिट 2 सीरीज, ठीक है. और इसके लिए उन्होंने कैंपेन भी किया था कीप गोइंग. याद रखना है कैंपेन का नाम क्या था. पिछले साल भी जो है एक्सफिट सीरीज ने पार्टनरशिप की थी HRX के साथ. HRX भी एक फिटनेस ब्रांड है ऋतिक रोशन एंड एक्सीड एंटरटेनमेंट का, जिसके साथ ही पार्टनरशिप एक्सपीड सीरीज की हुई थी, ये लास्ट ईयर हुई थी, राइट. और इस साल किसको अपॉइंट किया है कैंपेन का नाम, और ये इंपॉर्टेंट है पैरेंट कंपनी इसकी नेक्स्ट बेस. अमित खत्री जो है को फाउंडर है नॉइस के.
इनमें से कौन से बैंक ने अरेंजमेंट किया है, अग्रीमेंट किया है यूबी के साथ फॉर को लेंडिंग वाया यूबी को लेंड, इंडिया को लेंडिंग प्लेटफॉर्म, दोनों मिलकर लेंडिंग करेंगे, इसके लिए पार्टनरशिप हुई है किस बैंक की, यूबी के साथ। पिछले मंथ में आई गेस जून या जुलाई में यूबी का नाम, एक्चुअल नेम क्या था, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म यूबी। पिछले महीने इसकी रीनेमिंग की गई थी, नॉट लास्ट मंथ, ओके लास्ट टू थ्री मंथ्स अगो। सो यूबी का एक्चुअल नाम था क्रेड एवेन्यू, ओके यूबी का एक्चुअल नाम था क्रेड एवेन्यू व्हिच वाज रीब्रांडेड टू यूबी। यूबी एक प्लेटफॉर्म है जनरली ट्रेडिंग के लिए, ओके जो बॉन्ड्स में ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, लेंडिंग में भी इन्वॉल्व है, ओके सो यूबी इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म व्हिच ऑफर्स डेट फाइनेंसिंग, ओके जो बॉन्ड या डेट्स ऑफर करता है। सो यूबी का ये एग्रीमेंट हुआ है कर्नाटका बैंक के साथ, ओके को लेंडिंग मतलब कर्नाटका बैंक और यूबी दोनों जो है पार्टनरशिप करते हुए फर्दर जो है लेंडिंग करेंगे। सो श्री महाबलेश्वरा एमएस मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है कर्नाटका बैंक के, एंड गौरव कुमार जो है फाउंडर एंड सीईओ है यूबी के, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से रेगुलेटर ने नॉर्म्स रिवाइज किए हैं फॉर इंश्योरर्स एंड क्रिएटेड अ सेपरेट लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड इनविट्स, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज रीट्स। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। देयर इज अ हिंट इन द क्वेश्चन, यस ओके इंश्योरर्स के लिए लिमिट्स जो है रिवाइज किए गए हैं, तो किसने किया होंगे, रेगुलेटर IRDAI, ओके सो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रेगुलेटर कौन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इनविट्स एंड रीट्स क्या है, दे आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, ओके सो रीट्स एंड इनविट्स में कुछ नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज को यहाँ पे चेंज किया गया है, सो यहाँ पे वो जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है कि क्या नॉर्म्स को रिवाइज किया है, किसने रिवाइज किया है, IRDAI ने किया है, फिर भी इसका डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है क्या नॉर्म्स को रिवाइज किया है फॉर जस्ट फॉर अवेयरनेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट विजिट द ऑगस्ट डिटेल सेशन, आप देख सकते हो इसके। इनमें से कौन सा बैंक बन चुका, पहला बैंक बन चुका है टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन टिन टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेक ओवर। वॉइस बफर हो रहा है, am I not audible today? Can you please refresh? Is it okay? Is it fine? Okay, okay, okay. Fine, fine. Chal. टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने वाली पहली बैंक, ओके लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे नॉट टू गो लाइव, ओके पेमेंट गेटवे पे लिस्ट करने वाली पहली बैंक PIN पे वो बनी है फेडरल बैंक, ओके एंड हाल ही में सितंबर में भी एक न्यूज आया है विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सो पहली पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है जो टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे लाइव जा चुकी है, सो वो सितंबर की न्यूज में, इट इज बैंक ऑफ इंडिया, ओके यर पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने वाली ये पहली बैंक है फेडरल बैंक, ओके जिसकी हेडक्वार्टर सिर्फ केरला में। सो टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ओके सो TIN, so with this platform taxpayers will get more payment option and now make their payments with ease using methods like credit or debit card, UPI, NEFT, RTGS, internet banking, ठीक है। so ये payment gateway offer करेगी federal bank जिसके तहत जो है customers जो है tax pay कर सकते हैं on this platform which is known as TIN, okay so TIN का
फुल फॉर्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, सिडमी पार्टनर्स विद विच बैंक फॉर एम्पावरिंग एमएसएमईज. आई थिंक पहले हमने इस न्यूज को देखा है, ओके, इन अ डिफरेंट वे. सो सिडबी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? एमएसएमईज के लेंडिंग के लिए रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी है गाइस, जिसमें सिडबी जो है लेंडिंग करेगा एसवीसी बैंक को. ओके, सो सिडबी विल ऑफर लेंडिंग टू एसवीसी एंड एसवीसी टू एमएसएमई. सो लेंडिंग पे लेंडिंग, दैट इज रीफाइनेंसिंग. ओके, सो पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? रीफाइनेंस फैसिलिटी है जिसके लिए ये पार्टनरशिप की गई है सिडबी की एसवीसी बैंक के साथ, जिसके तहत जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये आसानी से लोन दे सके, लेंडिंग कर सके. और ये अग्रीमेंट साइन किया गया है आशीष सिंगल जो कि एमडी है एसवीसी बैंक के, एंड संजीव गुप्ता, ओके, जो जीएम है सिडबी के इन मुंबई. नेक्स्ट, व्हाट्स द प्रोफेशन ऑफ मिथिलेश चतुर्वेदी हु पास्ड अवे. ऑबिचुअरी है गाइस, हाल ही में इनका निधन हुआ है मिथिलेश चतुर्वेदी का. क्या ये इकोनॉमिस्ट रहे, पॉलिटिशियन रहे, एक्टर रहे या ऑथर रहे हैं? एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 PM को जुड़िएगा गाइस, ओके. प्रोफेशन ऑफ मिथिलेश चतुर्वेदी, एक्टर. ओके, सो ही वाज अ वेल नोन एक्टर. नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी रेट ऑफ इंडिया एज पर आरबीआई. वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई किसी का याद रखो या ना रखो, लेकिन आरबीआई का जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है वो आपको याद रखना ही है. सो फिस्कल 22 के इसके लिए जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद इन अ ईयर. एक साल के अंदर हमारे इकोनॉमी में जो टोटल प्रोडक्शन होता है, राइट, बाउंड्री के अंदर, हमारे बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी से मेजर करते हैं. सो जीडीपी रियल है, रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है आपके बेस ईयर के प्राइसेस पे. ओके, बेस ईयर के प्राइसेस पे. एंड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है आपके करेंट ईयर के प्राइसेस पे. दो टाइप्स की जीडीपी होता है, ओके, बेस ईयर पे रियल जीडीपी एंड करेंट ईयर के प्राइसेस पे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होता है. वेल, बैंकिंग के लिए इतना डीप में नहीं जाना आपने, लेकिन आरबीआई वालों को पहला ही चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ जीडीपी को पढ़ते हैं. ठीक है, 7.2% है गाइस यहां पे रियल जीडीपी फॉर फिस्कल 2022-23. फाइन, नेक्स्ट, कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम बताना है ऑफ इंडिया हु सर्विस हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 year. ओके, एक साल के लिए इनका सर्विस एक्सटेंड किया गया है. इनका नाम क्या है? राजीव गौबा, प्रदीप सिन्हा, अजय भल्ला, नृपेंद्र मिश्रा. वेरी गुड गाइस, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने राजीव गौबा को एक साल का और एक्सटेंशन दिया है. ओके, 30 अगस्त 2022 से इनका टेन्योर इफेक्टिव रहा और इनका ये दूसरा एक्सटेंशन है. नेक्स्ट, नेम द इंडियन पैरा पावर लिफ्टर हु वन गोल्ड मेडल इन द इवेंट क्रिएट एंड इवन क्रिएटेड गेम्स रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग हाईएस्ट एवर पॉइंट्स एट द ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स. गोल्ड मेडल किसने जीता है? इंडियन पैरा पावर लिफ्टर. ओके, इनका नाम है सुधीर. ओके, तो याद रखना है सुधीर हैज लिफ्टेड टोटल 212 kg ऑफ वेट एंड वोन अ गोल्ड मेडल. नेक्स्ट, करंट रेपो रेट आपको बताना है आरबीआई के एमपीसी के अकॉर्डिंग जो अगस्त 5 में हुआ था. सो लेटेस्ट डेटा है आपके आरआरबी पीओ के में आरआरबी के मेंस के पहले का लेटेस्ट डेटा, याद रखना आपको. बाकी सारे रेट्स भी हम कवर करेंगे. सो रेपो रेट कितना है करंटली, कितने बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया था, एनी आइडिया? व्हाई वाज दिस डन? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट्स को बढ़ाकर या घटाकर. ओके, सो अकॉर्डिंगली जो है मनी सप्लाई को अब्सॉर्ब करती है. तो यहाँ पे रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी से मनी सप्लाई जो है अब्सॉर्ब होगा, जिसकी वजह से लोग कम से कम लोन लेंगे, कम से कम बोरोइंग करेंगे. ओके, एंड देन डिमांड अफेक्ट होगी, डिमांड अफेक्ट होगी तो प्राइसेस भी अफेक्ट होगी, एंड प्राइस अफेक्ट होगी तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आएगा. सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने जो है रेपो रेट को यहाँ पे
बढ़ा दिया था बाई 50 बेसिस पॉइंट्स एंड इट इज 5.4%, ओके 5.4% हाल ही में हुआ है। सो ये लगातार बढ़ रहा है, सो 5.4% एंड इसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो लेंडिंग रेट्स हैं, ओके ये काफी लोन्स जो है महंगे हो चुके हैं। दिस स्टांस ऑफ आरबीआई इज जस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो आई हैव कवर्ड आई थिंक ऑलमोस्ट मेनी क्वेश्चंस, फ्यू आर लेफ्ट आउट। व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड द एमओयू विद डेलॉयट इंडिया। 1 trillion इकोनॉमी का टारगेट रखा गया है। सो इसके लिए डेलॉयट इंडिया का मेमोरेंडम किसके साथ हुआ है? यूपी के साथ, तेलंगाना, एमपी, गुजरात। रॉनी मैं भी चाहती हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करूँ, तो इस आपको मेरा एक काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। ऑन अचीविंग 1K सब्सक्रिप्शन आई विल स्टार्ट बैंकिंग अवेयरनेस, वो डिटेल एंड एमसीक्यू एज वेल। ऐसा कवर करूंगी कि कोई प्लस वाला या तो कोई प्लस प्लेटफॉर्म पे आपने पढ़ा नहीं होगा, इतने एमसीक्यूज में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ओके ऑल विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑल्सो, सो दैट यू कैन नॉट ओनली स्कोर वेल विथ योर मेन्स बट ऑल्सो इंटरव्यूज। बट टारगेट आप लोग शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। आई विल स्टार्ट इट वेरी सून देन। ओके डेलॉयट इंडिया का यूपी के साथ हुआ, 1 trillion इकोनॉमी का जो है यहाँ पे टारगेट यूपी ने रखा है। दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था फॉर इंडियन दिस स्पोर्ट्स इवेंट। हेलो चेतन, हाउ आर यू? सो वी हैव सम ऑल इंडिया रैंकर्स इन आर क्लास टुडे। देखो हमारे स्टूडेंट्स जो है महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी हैव चेतन हु इज वर्किंग इन एनएचबी। यस यस ओके। सो यहाँ पे रेसलर करेक्ट आंसर है आपका। दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में, ठीक है। इन्होंने फिट किया है पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को। Which country has recently launched first ever lunar orbiter, जिसका नाम है दानुरी। So I hope next you guys are going to be the next All India rankers, right? In RBI grade B. देखो RBI का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उसे पढ़ते हो एक बार तो कोई ना कोई एग्जाम तो आपका निकल ही जाता है एंड अच्छा ही होता है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं अच्छे अच्छे पोजीशन पे हुए हैं, क्योंकि सिलेबस कवरेज स्कोप इतना अच्छा है सिलेबस आपका, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, ओके इकोनॉमिक्स का। सो एक बार तो जिंदगी में आपने ट्राई करना ही चाहिए अगर आप एलिजिबल हो तो, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको पहले जॉब लेनी है तो यू कैन टेक अ सेफ जॉब एंड देन यू कैन प्रिपेयर, बट साइमल्टेनियसली आप प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ओके वही है, क्यूआरई यहाँ भी पढ़ना है वहां भी पढ़ना है। फाइनेंस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंक एग्जाम के लिए भी वही पढ़ना है। हाँ सिर्फ सोशल इश्यूज एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक जो है फाइनेंस में आपको जो है ओवरलैपिंग है। मैनेजमेंट आपको पढ़ना होता है जो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, ईजी है। और सोशल इश्यूज में भी क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, तो आई थिंक बैंक में भी तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स के सवाल पूछ रहे हैं, ओके। सो अगर आप एक बार आरबीआई का प्रिपरेशन करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बैंक्स के इंटरव्यूज में। फर्स्ट एवर लूनर ऑर्बिटर दानुरी, ये साउथ कोरिया का है, ठीक है, साउथ कोरिया का है गाइस। टोटली जिसका निकनेम आपको याद रखना है दानुरी है, 678 kg का ये ऑर्बिटर है। Who has been elected as a new and 14th vice president? Simple question है, जल्दी से करके आगे बढ़िया। PFRDA, okay, कितने students interested हैं वैसे PFRDA में? Discussion करना है, okay. I'll take a session tomorrow, okay, कल ही ले लेती हूँ। PFRDA का notification जो आया है, उसका syllabus, उसका strategy, actually कम है vacancies वैसे देखा जाए, लेकिन SEBI सिलेबस सेबी का ही है पूरा, सिर्फ पेंशन सेक्टर एक अलग है जिसमें बहुत कुछ नहीं होता है पेंशन सेक्टर में, बाकी सिलेबस पूरा सेबी का है। चेतन सैलरी भी काफी अच्छी है। जगदीप धनकर, ओके सो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तो
द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट। हाँ, सेबी ने 15 मेंबर्स की कमिटी बनाई थी ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ओके, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडियन इकोनॉमी में और बढ़ावा देने के लिए कमिटी जो है एडवाइजरी कमिटी है, फैक इसका नाम है। फैक मतलब एफपीआई एडवाइजरी कमिटी। हमें तो एक ही काफी है। एग्जैक्टली, या आपको तो एक ही सीट काफी है। बिल्कुल सही काम। ठीक है, मैं कल सेशन करवा देती हूँ आपको पीएफआरडीए के डिस्कशन। ठीक है, जिनको भी करना है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का बैच मेरा मोर देन सफिशिएंट है। ओके, जिनको पीएफआरडीए करना है, एफएम का बैच कर लेंगे जो चल रहा है। ओके, लाइव बैच बैंक फिनोमिक्स पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आपको। ओके, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी कॉमर्स है, कॉस्टिंग है एंड कंपनीज एक्ट है, और इकोनॉमिक्स का भी आधा पोर्शन कॉमन है, आधा आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स कॉस्टिंग पढ़ना होगा, कंपनीज एक्ट 8 दिन का काम है, 8 डेज में अगर आप लर्न करते हो रोज का 2-3 घंटे देके तो भी हो सकता है। केवी सुब्रमण्यम जो है, केवी सुब्रमण्यम फॉर्मर कौन थे, ये हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कमेंट में आंसर करेंगे। करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ये जो कमिटी बनाई गई है 15 मेंबर्स की है, याद रखने का 15 मेंबर कमिटी है, जिसका पर्पस क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना है। इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट में भी इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी आफ्टर दिस एडवाइजरी कमिटी, एंड दिस इज बीइंग चेयर्ड बाय द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2-3 चीजें पूछी जाती है जब भी कोई कमिटी होती है ना, सेबी की, आरबीआई की, तो कमिटी का नाम। ओके, जैसे ये एफपीआई एडवाइजरी कमिटी है, दूसरा नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके, सिर्फ 15 मेंबर्स है, तीसरा इसके हेड, ओके, सो दैट इज केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, और करंट कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? वी अनंत नागेश्वरन है। ओके, वी अनंत नागेश्वरन करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जिन्होंने केवी सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया। क्या कर रहे हो, मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाया था एंड यू गाइस आर नॉट वॉचिंग। इट मींस नेशनल हैंडलूम डे। यस ऋतुजा, नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाया जाता है 7 अगस्त को। जो हैंडलूम वीवर्स हैं, इनके इम्पोर्टेंस को, इनके कंट्रीब्यूशन को मार्क करते हुए हर साल जो है 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया वोन गोल्ड मेडल इन विच कैटेगरी ऑफ रेसलर एट कॉमनवेल्थ गेम्स। आज थोड़ा लंबा सेशन है, नो मैटर, कल संडे इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 65 kg। ओके, मेल 65 केजी कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, कनाडा के लैसलन मैकनील को डिफीट करते हुए। आरबीआई हैज इंपोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 82 लाख ऑन जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड फॉर ब्रीचिंग द नॉर्म्स ऑफ सबमिशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉन बैंक लेंडर? सो दिस इज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी जिसने आरबीआई के क्रेडिट इंफॉर्मेशन के नॉर्म्स को ब्रीच किया है, मतलब फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आरबीआई ने इन पर पेनल्टी लगाई है 82 लाख की। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है गाइस? इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में। ओके, करेक्ट। एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेरी गुड, सो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ है इंद्रजीत कमोत्रा। सारी क्वेश्चन था, व्हेन साक्षी मलिक हैज वन गोल्ड फॉर इंडिया इन व्हिच कैटेगरी इवेंट? सो करेक्ट आंसर इज वुमेन्स कैटेगरी 62 केजी में साक्षी मलिक ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। फाइन, इन व्हिच डे, व्हिच डे इज ऑब्जर्वड एज javelin throw day? Purpose kya hai iska? Can anyone tell me why is this day marked as javelin throw day? Can you ask Chetan to guide us for RBI prelims? Sure. ठीक है,
दिस इज अ गुड आइडिया ऋतुजा या आई विल जैवलिन थ्रो डे हर साल जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि गाइस 2021 में दिस डे वाज ऑनर्ड ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम टू ऑनर द जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जिन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था राइट सो इसी वजह से हर साल जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है जैवलिन थ्रो डे मनाता है 7 अगस्त को नेक्स्ट इंडिया बेट विच कंट्री टू विन 2022 सैफ U20 चैंपियनशिप टाइटल इंडिया ने किस कंट्री को बीट किया है तो बांग्लादेश को ओके बांग्लादेश को हराते हुए इंडिया ने 2022 में सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप जीता था जो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हिरोशिमा डे या सो यू आर डैम श्योर दैट मींस विल गो स्मूथली एंड Yeah, definitely. Okay, one more thing I would like to add on, guys. जैसे हम अभी, you know, अच्छे से एकदम पढ़ रहे हैं अपने selection batch में. I'll make sure कि जितने भी students ने enroll किया है, at least month में एक बार मैं जो है आपके साथ one-to-one mentorship session करूँगी. Okay, I'll take a one-to-one mentorship session. क्योंकि क्या होता है, कई बार in this competitive world, I understand कि a student is preparing and he or she will not share his ideas or his plans or his challenges that he is facing in his preparation journey. That is why I'll make sure ki main aapke saath ek one-to-one mentorship session rakhu har mahine mein ek baar taki aapke jo bhi aapko dikkatein ho rahi hain in your proper in your preparation throughout jo bhi problems aa rahi hai syllabus cope up nahi kar pa rahe ho aap schedule ya to aapka kuch topics backlog mein chal rahe hain तो उसको हम कैसे प्रॉपर रूट पे फिर से ला सकते हैं ताकि आपको जो है एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए ओके सो प्रॉपरली क्यूआरई को बैलेंस करते हुए फेस टू का प्रिपरेशन आपका स्मूथली होना चाहिए इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वन टू वन मेंटरशिप इस बैच में आपको इंक्लूड कर दूंगी सो आई होप दिस इज अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर यू जस्ट फॉलो रूही मैम कंसिस्टेंटली एंड ब्लाइंडली थैंक यू सो मच चेतन So I hope students will understand and they will start following. So Hiroshima Day, 6 August ko. Okay, so jo nuclear bomb attack hua tha Hiroshima and Nagasaki pe. To har saal jo hai 1945 se Hiroshima Day manaya jata hai 6 August ko. And Nagasaki Day manaya jata hai 9 August ko. ठीक है तो ये आपका important day था and इसी के साथ हमने बहुत सारे questions आज complete कर लिए okay बहुत सारे questions थे I guess 50 तो आराम से होंगे okay so we have covered not many 4 sessions हो चुके हैं चारों revise करो आने वाले sessions को follow करो every Monday to Friday okay 9 PM ज़्यादा से ज़्यादा links को share करो okay एक बार अच्छा सा subscription hit हो जाए मतलब सब ज़्यादा subscribers बढ़ जाएंगे उसके बाद हम banking awareness and financial awareness भी cover करें Okay, we will cover all kind of questions for your bank exams as well. And specifically, I will keep sessions for regulatory also. Ensuring both the levels are covered. हाँ चेतन मैंने finance start किया है. Okay, अपना जो batch है, selection batch. Let me tell you, ये वाला. ये देखो. बैंक फिनोमिक्स के वेबसाइट पे ओके बहुत जल्दी अभी ऐप आने वाला है ऐप गूगल के एंड से थोड़ा प्रोसेस में डीले है एक हफ्ता इस हफ्ते में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ठीक है सो अभी वेबसाइट पे आपको जाना है ओके लॉगिन करना है ये श्योर श्योर सिलेक्शन बैच है आरबीआई ग्रेड बी के लिए बट आरबीआई ग्रेड बी में जो कॉमन चीजें हैं जो पीएफआरडीए में कॉमन है पीएफआरडीए में फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का आधा पोर्शन ओके सो यू कैन डू दैट अगर ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है पीएफआरडीए सेबी में तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सोच सकते हैं उसका लेकिन अभी फिलहाल आपका आरबीआई का बैच चालू इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट हो जाएगा और आरबीआई के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स मैं कवर कर रही हूँ जैसे कि जनरल अवेयरनेस फेज वन फेज टू दोनों के लिए सोशल इश्यूज भी है ऐसा है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के लिए हर सेशन के बाद हम प्रैक्टिस लेने वाले ठीक है सो वी कंप्लीट वन टॉपिक
आज मैंने देखो टेस्ट डाला आपको, हर टॉपिक पे आपको टेस्ट मिलेंगे, हर वीक में वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ, ओके। एंड हर मंथ के एंड पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जितने चैप्टर्स हुए हैं उनका मॉक टेस्ट मिलेगा लाइव लीडर बोर्ड के साथ, ठीक है। तो आपको लाइव ही अटेंड करना होगा जब लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, और जब क्विज रहेगा तो आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सब कुछ होगा जो आरबीआई में रिक्वायर्ड है, ओके, बेसिक से एडवांस तक के। पीवाईक्यूज है, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट, बजट, ओके। सो लगभग जो है फेब में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके पहले वील मेक श्योर की दिसंबर जनवरी तक के आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। फेब में फिर सिर्फ बजट एंड सर्वे करना पड़ेगा, ओके। ये जो बैच है आफ्टर डिस्काउंट इट इज कम्प्लीटली लाइव, ओके, ये पूरा लाइव चल रहा है, लाइव बैच है। आफ्टर डिस्काउंट मैं इसका प्राइस बता दूं तो अभी इट इज 4799, ओके, 4799 में ये पूरा है, आपके एग्जाम तक पूरा होने तक का वैलिडिटी है इसका। मतलब आपका मेंस मान लो जून में होता है तो जून तक का वैलिडिटी, अगर आपका इंटरव्यू है, ओके, तो इंटरव्यू तक का वैलिडिटी आपको मिलेगा, जिसका मेंस क्लियर हो जाता है उसको इंटरव्यू तक का वैलिडिटी, ओके। इसमें मैंने फिनेंस स्टार्ट किया है, कैपिटल मार्केट मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैनेजमेंट में मोटिवेशन स्टार्ट हुआ है, मोटिवेशन में भी प्रोसेस थेरीज एक दो सेशन लगेंगे फिर मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा, दोनों स्टार्ट कर लिया मैंने। जो स्टूडेंट्स पीएफआरडीए के लिए इंटरेस्टेड है लेट मी नो, ओके, टेलीग्राम पर मुझे बता दो मैम आई एम इंटरेस्टेड इन पीएफआरडीए। पीएफआरडीए के लिए आप ये वाले बैच में से एफएम कर लेंगे, ओके, और इकोनॉमिक्स का मैं आपके पीएफआरडीए के लिए इकोनॉमिक्स का करा दूंगी अलग से, ओके, जो कॉमन है आपका दोनों में जो कॉमन है उतना पोर्शन। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीएफआरडीए के लिए जा रहे हैं देन वी कैन थिंक ऑन कॉमर्स कॉस्टिंग, अदरवाइज आई विल गिव यू अ पीडीएफ कोर्स, ठीक है, पीडीएफ कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगी इस हफ्ते, ओके, पीडीएफ कोर्स फॉर पीएफआरडीए इस हफ्ते लॉन्च कर दूंगी। लेकिन अगर वीडियो कोर्स चाहिए तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इंटरेस्टेड है टेलीग्राम पर बताएंगे तो मैं जल्द से जल्द यू नो पीएफआरडीए के लिए प्लान कर सकती हूँ। अभी फिलहाल स्टार्ट वॉचिंग फाइनेंस मैनेजमेंट, ओके। So let's discuss about PFRDA's notification and क्या उसका मतलब salary है, structure है, कितना time है, क्या syllabus है, क्या similarities है, then you can take the decision whether to go for PFRDA or not. Fine? और कोई doubt है आपके mind में? Yes Chetan, yes Rutuja, Dijisha, Tanishka, ठीक है? Any doubt that you have, please ask me. So back से related भी कोई भी doubt है तो मुझे telegram पे आप personally message करो, okay? I will always be there to help you out with your preparation, whether it is bank or regulatory, ठीक है? चलो फिर कल करते हैं हम session, okay? PFRDA के लिए live session करते हैं, okay? So I will wind up now the session. Please watch those who have missed and share it with all your friends, okay, so that we can start the practice sessions for ranking, financial awareness. If you want detailed sessions to bhi main kara sakti hu, but depends aap log kitne live aa rahe ho, response aapka kaisa hai, uske basis pe main jaldi jo hai banking and financial awareness ko bhi start kar dungi, theek hai guys? So take care all of you. Thank